पिछला वीडियो तो देखा ही होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। तो मैं फ्रेंड्स आगे चलना चाहते हैं, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ इकोनॉमिक कमिटी एंड कमीशंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ स्टार्ट विद कमिटी एंड कमीशंस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि कमिटी एंड कमीशंस में क्या डिफरेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स कमीशन इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय अ गवर्नमेंट बॉडी। द मेंबर आर नॉट यूजुअली इलेक्टेड, नॉर डू दे जनरली होल्ड अप देयर हैंड्स एंड वॉलंटियर। ओके फ्रेंड्स, सो कमीशन एक्चुअली जो गवर्नमेंट बॉडी अपॉइंट करती है तो वो कमीशन होती है। एंड कमिटी इज यूजुअली स्ट्रक, विच मीन्स दैट अ ग्रुप काउंसिल और एनी ग्रुप मे अपॉइंट और कॉल अप फॉर वॉलंटियर्स टू जॉइन अ स्मॉलर ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्योंकि एक कमिटी एंड कमीशंस में डिफरेंस भी जान लिया, अब हम आके देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक कमिटी एंड कमीशंस के नेम क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट नंबर है, ये कमिटी एंड कमीशंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सी कमिटी है और ये किसके लिए दी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट इज लॉर्ड लैंसडाउन। ये 1888 में से 1894 में आई थी एंड हर्शल कमिटी इसका नाम है। एंड इसे दिया था हर्शल ने किसके लिए? रिगार्डिंग करेंसी के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पिक्चर भी दिखा सकती हूँ। ये हैं लॉर्ड लैंसडाउन, इन्होंने ही हर्शल कमिटी दी थी। कमीशन इसका है जिसे बोलेंगे ओपियम कमीशन, जो 1893 में आई थी टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओपियम ऑन हेल्थ। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक और कमीशन था। फिर है लॉर्ड एल्जिन ने हेनरी फॉलर कमीशन दिया था जो 1898, याद रहे फ्रेंड्स 1898 में एच फॉलर ने किया था इसे, टू गिव सजेशंस ऑन करेंसी। उन्होंने भी करेंसी के ऊपर ही सजेशन दिया था। तो किसने था दिया था? लॉर्ड एल्जिन ने। फिर लॉर्ड कर्जन, इरिगेशन कमीशन आई थी, लॉर्ड कर्जन ने इरिगेशन कमीशन किया था 1901 में, टू प्लान फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन। इरिगेशन पे कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसके लिए प्लानिंग इस ईयर में और लॉर्ड कर्जन ने की थी। देन कम्स लॉर्ड हार्डिंगे, तो उन्होंने क्या किया था? तो एडवाइस फॉर कॉपरेटिव फाइनेंसिस, तो कॉपरेटिव फाइनेंसिस एडवाइस के लिए उन्होंने मैकलेगन कमेटी बनाई थी, किसने बनाई थी? लॉर्ड हार्डिंगे ने। फिर लॉर्ड इरविन, फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कौन सा लिंकिंग को कमीशन बताया था 1928 में, टू स्टडी द प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने लिन लिथ गो कमीशन बनाया था। ओके फ्रेंड्स, और ये किसने बनाया था? लॉर्ड इरविन ने। नाउ फ्रेंड्स वी कम टू लॉर्ड इरविन अगेन, एंड उन्होंने विटले कमीशन दिया था। फ्रेंड्स ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि विटले कमीशन क्या होता है, तो लॉर्ड इरविन ने 1929 में विटले कमीशन दिया था और टू स्टडी द कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रीज एंड गार्डन्स में। तो किसके लिए? ताकि लेबर का इंडस्ट्रीज में क्या कंडीशन है एंड गार्डन्स में क्या कंडीशन है उनकी स्टडी करने के लिए विटले कमीशन आया था और ये लॉर्ड इरविन ने 1929 में दिया था। ओके फ्रेंड, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर लॉर्ड वेलिंगटन ने कौन सा दिया था? इंडियन मेजरमेंट कमिटी बिठाई थी और ये टू अरेंज फॉर इंक्लूजन ऑफ लेबर इन फेडरल असेंबली में लेबर को इंक्लूड किया जाए, उसको अरेंज करने के लिए
इंडियन मेजरमेंट कमेटी बिठाई गई थी 1935 में, जो लॉर्ड वेलिंगटन ने दिया था। ओके फ्रेंड्स, देन लॉर्ड लिंकलीग्रो ने दोबारा नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC जो 1938 में आया था, और इसमें जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे, टू प्रिपेयर इकोनॉमिक प्लान। तो हमारे इकोनॉमिक को प्लान करने के लिए जो नेशनल प्लानिंग कमेटी आई थी वो 1938 में आई थी, और इसमें जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे। ओके फ्रेंड, और इसे किसने दिया था? लॉर्ड लिंकलीग्रो ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है, और इसको बहुत अच्छे से, इसकी डेट्स और इसे किसने दिया था उसे याद रखना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में भी जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने ये करंट अफेयर्स की तरफ। ये एक न्यूज़ है कि एक कर्कटा जाति होती है, वो वेस्टर्न घाट, जो केरला के वेस्टर्न घाट में पाई गई है। कर्कटा को संस्कृत में क्रैब को कर्कटा बोलते हैं संस्कृत में, और ये एक सेपरेट जाति ही है। और ये जो ज़्यादातर कलेक्टेड कहाँ से? थाटेकर वर्ल्ड सेंचुरी इन एर्नाकुलम केरला। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं, ये केरला में है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ नया इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया था न्यूज़ से, तो आप ये कुछ नया इसको याद कर सकते हैं, थाटेकर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये कहाँ है? केरला में। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपना वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक UGC NET 2017 पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आपको लिंक दिखेगा रेड कलर का, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह के नए नए इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ मैं आपके सामने लाती रहूँगी। टिल देन, बाय फ्रेंड्स।